सीएम चन्नी की आलोचना, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेकर बोले सिद्धू, अमरिंदर सिंह पर किया वार। रोहतक के गलोई गांव में बीजेपी नेताओं को किसानों ने बनाया बंधक, भारी पुलिस बल तैनात। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को याद कर बोले राहुल गांधी, देश को धर्म जाति में मत बांटो। दिल्ली में प्रदूषण का कोहराम, गोपाल राय बोले लोगों के पटाखे फोड़ने के लिए बीजेपी जिम्मेदार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,729 केस दर्ज, 221 की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर औरैया जिले से है जहां 6 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। वहीं सीएम योगी के दौरे को लेकर सारी तैयारियां की पूरी तरह से जायजा लिया गया। बता दें कि आपने तय समय के अनुसार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 11:30 बजे ककोर मुख्यालय बने हेलीपैड पर उतर जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री से उदगांव में बन रहे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक हलचल अभी भी जारी है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से लगातार असमंजस का दौर जारी है और हर पल समीकरण बदल रहे हैं। अब सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और वे कह रहे हैं कि पंजाब में जब नया एजी आ जाएगा वो अपनी जिम्मेदारी फिर संभाल लेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी सीएम पद पर संभालने सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था। सिद्धू ने इस बात पर विरोध जताया था कि जिन एजी व डीजी को नियुक्त किया गया है वो बेअदबी मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसे में सिद्धू उन्हें हटाने की मांग करने लगे थे, लेकिन जब उनकी वो मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। बदायूं के चिकटिया में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और मारपीट में दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं और कई लोग घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उझानी थाना अंतर्गत ग्राम चिकटिया में आज एक गांव में पड़ोसियों के बीच में दोनों यादव परिवार के हैं, किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और मारपीट हुई और इसमें मारपीट में चार लोगों को थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया गया। कोई जहरा चोट नहीं थी। 308 धारा के अंतर्गत थाना उझानी में प्रातः आज अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिन में इलाज के दौरान इसमें पता चला है कि दो लोग जो घायल थे उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इनमें जो नामित चार अभियुक्त थे जिनसे झगड़ा हुआ था, उनमें से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ करके इसमें अन्य धाराएं तरमीम करके आगे की। बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र के बिलहारी गांव में अमरूद के बाग में एक किशोरी का शव मिला। वहीं शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। हमारी रात 10 बजे से गायब भई, ढूंढ खगोड़ करी चुप्पा, शर्म के वजह से ज़्यादा लोगों को बताया भी ना, क्योंकि अगर कहीं गुस्सा होकर जा सकती है, अगर आ सकती है वापस, तो अपनी भी बदनामी है। इस वजह से अब पता लगाए, सब रिश्तेदार इकट्ठे करे, कहीं भी पता नहीं लगा तब तक यहाँ से फोन पहुँच गया कि लाश मिली है। अब खबर चंदौली से है जहां पर जिले के क्राइम ब्रांच और सदर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरों के एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। तीन आरोपियों की गिरफ्तारी करके पुलिस टीम उनके पास से 9 लग्जरी कार को बरामद किया है। पुलिस लाइन की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से वाहन चोरी के लिए कुछ इनपुट लिए गए थे। इसके आधार पर स्थानीय पुलिस टीम को सक्रिय किया गया है। पुलिस ने कटसिला में समीप चोरों के गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताए गए स्थानों से लग्जरी वाहनों को बरामद किया गया। वहीं छात्रों के पास से 19 आधार कार्ड, 2 लैपटॉप,
एक प्रिंटर, एक बायोमेट्रिक मशीन, 3 एटीएम कार्ड और 4 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। देखिए, हमारे पास मध्य प्रदेश से एक इनपुट था कि एक कार चोरी का गैंग है जो हमारे क्षेत्र में एक्टिव है। उनके द्वारा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दी गई थी और हमारी टीम जो स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम और कोतवाली की जो टीम है, हमने इसको लगाया। इसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है और इनके पास से 9 गाड़ी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां दीपावली पर पटाखा की दुकान लगाने वाले व्यवसायियों से प्रतापगढ़ पुलिस घूस लेते नजर आई है। पटाखा व्यवसायी से घूस लेते 2 सिपाही का वीडियो वायरल जमकर हो रहा है। वहीं पुलिस घूस नहीं देने पर दुकानदारों को दुकान हटाने की धमकी देते हैं। एसपी ने घूस लेने वाले दोनों सिपाही को निलंबित कर दिया है। पट्टी में तैनात सिपाही नीरज और सौरभ को एसपी सतपाल अंतल ने निलंबित कर दिया है। पट्टी कोतवाली के नारंगपुर बाजार का मामला बताया जा रहा है। देखिए, पट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नारंगपुर बाजार में 2 कांस्टेबल्स के द्वारा गश्त के दौरान एक दुकान से पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसका संज्ञान लिया गया है और इसमें दोनों कांस्टेबल्स को निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण की एडिशनल एसपी से जाँच कराई जाएगी। और भी पुलिसकर्मी जो इसमें मिली भगत होगी, उस पूरे के पूरे नेटवर्क की जाँच की जाएगी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ का पुलिस का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आपको बताते हैं कि पटाखा व्यवसायी से घूस लेने पर पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है और घूस ना देने वालों को दुकान हटाने की भी लिए भी पुलिस वाले मजबूर कर रहे हैं। खबर प्रतापगढ़ से बताई जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी वहां पटाखा व्यवसायियों के पास पहुंचे हैं और जहां वो घूस लेने का बात कर रहे हैं। एसपी ने घूस लेने वाले दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है और पट्टी में तैनात सिपाही नीरज और सौरभ को एसपी सतपाल अंतल ने निलंबित कर दिया। पट्टी कोतवाली के नारंगपुर बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जो लोग घूस नहीं दे रहे हैं उन व्यवसायियों पर एक जोर डाला जा रहा है, घूस ना देने वालों को, और उनसे दुकानें हटाए जाने की बात कही जा रही है। जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब और जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब आला अधिकारी ने उन दोनों सिपाहियों को निलंबित किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो प्रेम, किस तरीके की खबर आ रही है, क्या उन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि ये वायरल वीडियो कल का बताया जा रहा है। दीपावली के शुभ दिन पर पटाखा लगाने वाले छोटे छोटे व्यापारियों से बड़ी ही शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा था। जैसे छोटे छोटे व्यापारी अपनी जीविका पालन अर्जन करने के लिए एक छोटी दुकानदार के वो लगातार कार्यरत थे, उनसे ये दोनों सिपाही पैसे लेने गए थे, जिसको लेकर वो वीडियो तत्काल इनका पड़ोस में बैठे व्यक्ति ने बना लिया। दोनों सिपाहियों का नाम नीरज और सौरभ बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सतपाल अंतिल प्रतापगढ़ ने मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों सिपाहियों का तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जी मैम। तो प्रेम, कितने दिनों के लिए इनको निलंबन किया गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि अभी तक यह खुलासा नहीं किया गया है कि कितने दिनों तक निलंबित किया गया है। प्रक्रिया में तत्काल एसपी प्रतापगढ़ ने तत्काल इन पर कार्रवाई हेतु निलंबित कर दिया है। फिलहाल एसपी प्रतापगढ़ ने कहा है कि जैसे ही ये डिक्लेयर होगा हम पत्रकारों को बुलाकर एक मीटिंग के माध्यम से, एक परिचर्चा के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आप सभी को अवगत कराएंगे। लेकिन ये कहा जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, उनके मंसूबों पर ये दोनों लोग पानी फेर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से एक छोटे व्यापारी जिनकी कोई अवस्था नहीं, वो केवल जीविका अर्जन के लिए 100-200 रुपए का बिजनेस करते हैं, उनसे 100-200 रुपए के बिजनेस में भी इस तरीके के घूस लेने की वारदात ये कहीं ना कहीं बेहद प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़ा करती है। जी, निलंबित ही किया गया है या इनसे किसी तरीके का फाइन भी लगाया गया है?
जी मैं बता दें कि अभी तक एसपी सतपाल अंतिल ने जो एक वीडियो वायरल किया है, जिन्होंने उस पर अपने बयान में कहा है कि इन दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, केवल तत्कालीन कार्रवाई हेतु उनके निलंबित कर दिया गया है और उन्हें यह कहा गया है कि दोबारा से यदि ऐसी कोई अनहोनी की है तो आपको नौकरी से भी हटाया जा सकता है। फिलहाल आगे की प्रक्रिया भी खुलासा करना बाकी है, फिलहाल जानकारी कुल इतनी ही निकल कर रही है। शुक्रिया प्रेम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। प्रदेश के राजमंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत और गाजीपुर डीएमएसपी सिंह समेत तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों ने गाजीपुर पर बड़ा महादेव की पीएम मोदी केदारनाथ यात्रा का लाइव प्रसारण देखा। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज सुबह केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम के केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने का लाइव प्रसारण गाजीपुर के 5 शिवालयों में जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। पीएम के लाइव प्रसारण के बाद बड़ा महादेव शिवालय में राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत और डीएम एमपी सिंह ने रुद्राभिषेक भी किया। रुद्राभिषेक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर संगीता बलवंत ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम में शिव पूजा अर्चना की है, जिसके तहत आज पूरे भारत में पीएम का प्रसारण लाइव जगह जगह आयोजित किया गया है, जिसका वह गाजीपुर में बड़ा महादेव के खुद हिस्सा बनी है। और गाजीपुर डीएम एमपी सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में है, जहां पर उन्होंने बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री केदार धाम में वहां थे और पूजा अर्चन हुआ है और उसका लाइव प्रसारण भी यहाँ कराया गया। हमारे यहाँ 5 स्थानों पर जो हमारे जनपद के बड़े शिवालय थे वहाँ कराया गया है और उसी क्रम में हम लोग भी यहाँ आए हुए थे। अभी माननीय मंत्री जी भी उपलब्ध थी और वो भी हैं और इसी क्रम में हमारे देश के लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें और लगातार हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, इसी कामना के साथ आज ये कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज केदार धाम में शिव की अर्चना पूजा कर रहे हैं और उसी के तहत आज पूरे भारत में यह कार्यक्रम हर्ष के साथ जगह जगह आयोजित किया गया है और इसके लिए आप सबको और पूरे देशवासियों को। प्राइम टीवी के इन खास खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।